वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चिल्ड्रन, टुडेज टॉपिक इज मेकिंग पेपर डॉल चेन। ओके, लाइक दिस दिस एक्टिविटी विल डू एंड साइड बाय साइड आल्सो वी विल आई विल टेल यू अबाउट योर फुल स्लीव्स। सो वॉच केयरफुली दिस फुल वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू नॉट ओनली दिस एक्टिविटी एंड आई विल टेल यू अदर ऑल अदर एक्टिविटीज। ओके, it will be revision of who have already done it is your revision period. Okay, so for making this pleat a strip of paper. Okay, firstly we will take a strip of paper. So you will take any size of like I am taking, I have long page, so you can take any short page. So cut it from here, you can also fold it like this for making that strip. Okay, this cut it from here on this fold. Okay, now this fold it like this, one this side and then other side. Okay, again for that side it will be turn into like this, is tarah ban jayega. Okay, is tarah da ban jayega. Fold it carefully like this and then you keep it on your book and take any pencil or color, any color, any pen with this. We will draw a pattern on this. Pattern means here you will draw as given on your book. You will draw these lines and also these lines. Okay, these lines little bit longer. So now draw this. It is already actually given in your book, so it's very easy for you to draw. And here you will draw one circle. Okay, so it is same like this. Now we will cut it. You can cut it okay. Now from here, अगर आपको लगता है ये लाइनें थोड़ी मोटी पतली हैं तो कटिंग के टाइम इसको सीधा कर लो, सीजर के साथ बिल्कुल सही कटी काटी जाएंगी. ओके, इन्हें सही कट लो इतों, तो इतों लैग्स नू बिल्कुल सही कट लो. तो आ थोड़ी इधरली बाह मोटी सी तो आप इतों ठीक कर ली मैं कटने वाले. सो कीप इट now like this, cut this head of this puppet. Okay, now once you cut like this then open it, you will be see many children putting hands in hands like chain. I will show you keeping hair on dark surface. Now you know this what to do again. It is already given in your book here in this picture how to paint these children. Okay, now I am painting. This is one is half, one will be half, then keep it. Okay, tear it from that part. So now we will draw face of the puppet. This hairs, okay, with skin color. If you have only one color, you can draw everything with one color. Or if many colors, you can draw use many colors. It will be very interesting activity. So now I fill on mouth.
and put close on. ये देखिए मैंने इसके अच्छी सी टी शर्ट बना दी इसको, ठीक है। इस पर पूरी भी रंग कर सकते हैं आप, जैसे जो मैंने वाइट स्पेस डी जे मैंने जल्दी में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर ये कोई लाइनें दिखनी नहीं चाहिए। जिड़ियाँ लाइना सारियाँ ने ना ऊपर रंग कर देना है, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर ज़्यादा सोहना लगेगा क्योंकि मैं जल्दी भी समझा रहा थोड़ा जहा, तो करके मैं छड़ रहा। जिन्हें भी तुम पार्ट्स कर सकते हो, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन डू ओके दिस पेंट्स एंड यू हैव दीज आल्सो पेज जिहड़े तो बचे ने कट के जो बचाए ना जी विद दीज वट यू विल डू यू विल मेक शूज। तो कट लो इजली, यू कैन मेक शूज। ये पैरों के शूज पा दो, शूज मतलब गम के नाल पेस्ट कर दो ओके हेयर ओके सॉरी ये छोटे पेज हैं ना उठाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं जी। और इनके पैरों को बूट को कोई भी शेप दे दो ऐसे, अब यहाँ पर मैं लगा दूँगा इसके। ये देखो एक पे पैर इसका लगा दिया, ओके ये देखो इसके पर ऐसे पैर इसको चिपका सकते हैं गम से, दोनों तरफ पैर है ऐसे, जैसे ये पैर लगाया ना मैं ऐसे सारे पैर लगा कर इन सारे पर कलरिंग करके इसको, ठीक है ना। इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है, वेरी इजी एक्टिविटी ना। सो दिस एक्टिविटी, सो एक्चुअली दिस एक्टिविटी आई एम डूइंग हरी डेली बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन मैनी एक्टिविटी टूडे बिकॉज ऑफ यूर पेपर्स ओके। अब हूँ दोबारा सारी दिस योर बुक इज बिफोर मी नाउ, यू आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस। ये पहले पेज में जोड़ा पहला पेज है थोड़ा, ये तो दिता है मूवमेंट लाइन्स का, देखो जो बटरफ्लाई इधरों आके इधर आ रही है ना, तो यह मूवमेंट लाइन्स भी इतों ऐ करके गई है, ठीक है ना। तो अगे आ गया वी क्रिएट आर्ट विद शेप्स, आप शेप्स के साथ हम आर्ट तैयार करते हैं। जब हम जो आप एक पास फोटो बना ली ना, एक सेम ही दूसरे पास बना दी वह जी, तो फिर वो आर्ट तैयार हो जाती है। जब बटरफ्लाई है या कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करिए, समिट्रीकल शेप्स कहने आप। समिट्री मतलब भी समिट्री होती है दोनों पास बराबर, जिमें तुम घर फोटो खिंचाने ना, तो वह दो लंबे लंबे जने साइडा से खड़ जाते, दो जने कुर्सियां बह जाते हैं, आप कहने सारे पास फोटो बराबर ही आए, ठीक है ना। उन्होंने आप कहने समिट्री, हम ये दिस इज पिक्चर इज आल्सो इन समिट्री, दोनों पास बराबर आ रही। अगे है कलर्स, ठीक है ना। वी आर यूजिंग कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स। कूल कलर्स आर ब्लू पर्पल ओके एंड येलो रेड, दीज आर वार्म कलर्स ओके। तो अगे आ गया दिस वैनिशिंग पॉइंट, जिथे अपनी धरती से समान मिलते हैं उन्होंने आप कहने वैनिशिंग पॉइंट। तो अपन वैसे कहने जी लाइन मारते हैं कहने होरिजन लाइन, क्योंकि इन होरिजन कहते हैं पंजाबी, जिते सूर छिपता ना, जहाँ आप समुद्र का सीन बनाने या धरती का बनाने, धरती के समान मिलते ना जिते जाके, इन आप कहने होरिजन ओके। इतने आके सब कुछ डिसअपीयर हो जाता, गायब हो जाता, बहुत ही छोटा छोटा लगन लग जाता, जो गायब ही हो जाता, तो उन्होंने आप इस करके वैनिशिंग, वैनिश मीनस डिसअपीयर या गायब होना, ठीक है। अगे आ गया अपने टैक्सचर बारे दसिया तुम बहुत बारी, टैक्सचर के आ गया देखो जी मेरा फैदरी आ, बंपी आ, कॉटनी आ, ज ग्रेनी आ, ज क्रिंकल्ड आ, फ्लफी आ, अलग अलग तरह का हुंदा। जे आप कोई पेंट के उपर देखते हैं कपड़े के उपर, तो पेंट के उपर मोटा मोटा हुंदा डिजाइन जहा है ना, टैक्सचर जहा। जे कमीज देखते हैं कमीज अपने कमीज से बहुत बरीक हुंदा, ठीक है ना। जो पग देखते हैं पग के उपर होर तरह का हुंदा, चुन्नी तो होर तरह टैक्सचर हुंदा। तो उस तरह कॉटन जे आप ला दिए कि सारी जगह पर कॉटन कॉटन ला दिए, तो कॉटन तो अलग तरह का दिखेगा, जो फोटो खिंचेंगे तो भी अलग आऊगा, तो फील भी अलग होगा, ठीक है ना। फैदरी खंभा वर्गा, बंपी उच्चा, तो ग्रेनी जिमें आप किसी दाल वगैरह ला दिए किसी पेज के उत्ते, तो वह फोटो खिचीए जहाँ पोजते हाथ फेरीए, तो वह टैक्सचर जोड़ा वो ग्रेनी होगा, क्रिंकल्ड फ्लफी ओके। तो अगे आ गया मॉडल्स, आप आर्ट के होर की करते हैं, ये चीज़ा करते हैं एक तो, बाकी आप होर करते हैं मॉडल्स तैयार करते हैं। आप जी कोई बड़ी सारी चीज़ हो ना,
तो आप कोई छोटी जी चीज़ बना लें बट उ वर्गी भी सेम तो फिर वो अपन इस तरह लगता भी ये आर्ट बहुत सोहनी चीज़ लगती है भी एक किसी ने कला का नमूना बनाया आर्ट तैयार की है ये आप मॉडल्स बनाने आपू की कहने 3D स्कल्पचर 3D चीज़ा बनाने जिम्मे आप घर बना दी सेम वो लंबाई चौड़ाई उत्ते ऊंचाई भी हो पर जो आप पेज पर फोटो ड्रा करते हो कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होंगी वो बिल्कुल प्लेन होंगी है उन्होंने आप 2D कह दें जी उपर उभर नहीं होंगी चीज़ जिम्मे आप हाथ फट सकते हैं जो इस तरह लगे देखने जिम्मे एनीमेशन दे भी ये चीज़ 3D है बिल्कुल देखने रियल लग रही है वो 3D होंगी स्कल्पचर होंगे जिम्मे आप कोई बुत वगैरह या कोई भी चीज़ बना दी किसी चीज़ किसी का मॉडल तैयार कर दिए किसी चीज़ का उन्होंने स्कल्पचर कह दें जिम्मे बुत बना दिए या कोई पपेट बना दिए ठीक है। तो अगर जो ये पेज है बहुत ही चंगी तरह समझाया है पेज ये इसमें रिवाइज करने ज़्यादा लोड़ नहीं बहुत वधिया वीडियो तैयार की गई है हूँ आई विल रिवाइज दिस ओके जोड़ा ये स्टैप बाय स्टैप केस्टल दिता है इस बहुत सोहने कलर आपकी इमेजिनेशन भरने ने ना मतलब जो रौनक तैयार करनी है मतलब भी लोग भी फिरते होने जिमें कोई सिपाही हो रानी खड़ी होपर किंग हो ठीक है ना आपकी इमेजिनेशन सोहना जो सीन क्रिएट करना है बनाना भी जो देखने सोहना लगे इनू कोई बड़ी शीट के उपर जिस तरह बड़ी शीट के उपर मतलब इन्नी क हो तकरीबन साइज वाला इन्नी क शीट के उपर बना ठीक है इस तो बड़ी जिनी मर्जी हो ये बारे मैं समझाया है सारा भी ये डूडलिंग कह दें आप कोई भी लाइन बनाने बैठे बैठे पर कई बार आप देखते हैं भी ये देखने कोई शेप वर्गी लगती है ठीक है भी आप फिर वो खमू ला दें फिर वो जी लगन लग जाती है ठीक है। तो अगे हमने हमने मैं एक्टिविटी करवाई जी तो इस तुम अगे आ गया आ क्लूज आर गिवन फाइंड द वर्ड्स ओके जेडे अखर आप लभने ने भी आ की लिखा है इतने हैगा अ लाइन दैट शोज द शेप और एज ऑफ समथिंग आउट लाइन ओके द लाइन्स ऑन अ लीफ वेन्स अ लाइन दैट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज बॉर्डर ओके एंड द मेजरिंग लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट्स इक्वेटर अ शेप दैट लुक्स लाइक अ सैट ऑफ सर्कल्स इन साइड ईच अदर मेड बाई वन लाइन ठीक है ना इस तरह आप लाइन घुमा घुमा के अगे बधाई जाने ना इन आप कहने स्पायरल इत लिखना अ सब स्क्रिबल मेड वैन यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स ओके ये सारे आपके आंसर ध्यान ना मिला लो कोई गलत ना होना चाहिए हूँ मैं दस भी दते एंड से ठीक है। इन कहने डूडल जब आप बैठे बैठे कोई भी आप पेंसिल ना लेना या पेन फ्री कापी के उत्ते मारी जाने लेना वगैरह कोई चीज़ बनाई जाने वैसे आम तौर पर कोई चीज़ बनती है नहीं पर फिर भी आपको देखने लगता भी ये कुछ बनाया हूँ आप कहने डूडल द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट जिथे धरती से समान मिलते लगते हैं उन्होंने मैं हमने हमने दस के हटे हूँ आप कहने होरिजन ओके ये मैं बहुत जल्दबाजी करा रहा क्योंकि सारा सिर्फ छोटी जी वीडियो पाँना सिमेट्रिकल लाइन्स शेप्स शेप इज मेड वैन यू इनक्लोज एन एरिया विद द लाइन ठीक है ना जो लाइन आप लाइन मारते हैं इस तरह पहला वो लाइन ही रह जाती है या कर्व बन जाती है जो आप घुमा के किसी ना किसी पास करके मोड़ दें जोड़ दें तो फिर वो शेप बन जाती है ठीक है ना। शेप एक सिर्फ लाइन की ड्रा भी हो सकती है या जी शेप और पैटर्न भी बने हुए हो सकते हैं जिमें पैटर्न बने ने तो हूँ जी सिमेट्री आ शेप आ जी कोई भी जिम्मे मनुखा ज कोई कापी आ जा किताब आ कोई भी डब्बा उन्होंने आप लाइन मार के सिमिट्री दो सिमिट्रिया सेम दे सेम बना सकते हैं इधर तो उधर जो बटरफ्लाई आ पर वैसे फिर भी कोई जिम्मे फ्रॉग आ कोई बर्ड आ वह सीधा खड़ा हो शेर खड़ा हो सामने आप दोनों पास बराबर बना देंगे अपने दोनों पास अखा इतने इधर भी अखा अपने उधर भी अखा अपने इधर भी एयर आ उधर भी एयर आ इधर भी लत्त आ उधर भी लत्त आ इस तरह सारे एनीमल्स वगैरह के होंगे ने हरेक चीज़ के हर चीज़ सिमिट्री आ सकती है तो इस करके जो फ्रॉग आज सिमिट्री बना इनू कंप्लीट करना अद्धा दिता ना अद्धा बना फिर सिमिट्री आ जाएगा फिर रियल लगूगा इस कलर फिल कर दो ठीक है। ये एक्टिविटी प्रैक्टिस कर सकते हो किसी होर शीट पर उन्होंने फिर पेस्ट भी कर दो इतने ठीक है इतने भी कर दो तो आह एक्टिविटी बहुत ही वधिया ढंग अलग सैपरेट वीडियो बना के कराई गई है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰੋਕਟ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਪੀਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਹੈਂਡਸ ਦਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਧਰੇ ਵੈਸੇ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਐਂ ਫੜੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੀਮਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਪਊਗੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਦੀ ਛਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸ਼ੇਪਸ, ਕਲਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸ਼ੇਪਸ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀਸ ਸ਼ੇਪਸ ਡੂ ਬੀਜ ਯੂਜ ਟੂ ਬੋਲਡ ਆ ਹਾਈਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਖੈਲ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਿੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀਸ ਸ਼ੇਪਸ ਇਨ ਆ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਬਿਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੈਰ ਨੇ ਰੈਬਿਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਫਕੋਰਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੋਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਡੋਗੀ ਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਫਰੋਕ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨ ਨਾਈਟ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਏਲੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਐਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ, ਐਂਡ ਬਸ ਟਿਲ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯੂ ਵਿਲ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਅਰ ਵਰਕ। ਇਹ 17 ਪੇਜ ਆ, 17 ਪੇਜ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।